हर नागरिक पर महंगाई की मार इस तरह से पड़ रही है कि वह उस पर उभर नहीं पा रहा है और प्याज ने लोगों को रुला रखा है और आज प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं। लेकिन इसी बीच योगी सरकार के एक बड़बोले मंत्री ने शर्मनाक बयान देते हुए जनता को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है, लेकिन अगर आप लोगों को प्याज महंगे लगते हैं तो आप कुछ दिन कम खाएं। दरअसल जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने लोगों को सलाह दी कि कुछ समय तक प्याज कम खाओ। मंत्री ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि बरसात व फसल खराबी से एक सब्जी में कमी आई होगी। उन्हें नहीं लगता कि एक परिवार में 50 से 100 ग्राम से ज्यादा छोंक लगता है। कहा कि वह तो ये कहेंगे कि कुछ दिन प्याज कम खाए जाए। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जिला अस्पताल का निरीक्षण करने वह जिला अस्पताल पहुंचे थे। यहां उन्होंने भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानते हुए मरीजों को फल वितरण किए। शौचालय में गंदगी देखकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बेड पर फटी चादर मिलने से उन्होंने नाराजगी जाहिर की। ऑक्सीजन प्लांट हकीकत जानी और वार्ड में मौजूद स्टाफ नर्स ऑक्सीजन का लेखा जोखा मांगा, जो वो नहीं दे सकी, जिसको लेकर भी उन्होंने बेहद नाराजगी जाहिर की। मंत्री के आधा घंटे के निरीक्षण के दौरान जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का पसीना छूटता दिखा। मंत्री को यहां बुखार के मरीज भी अधिक दिखे। उन्होंने कहा कि जो खामियां पाई गई हैं उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है और मामले में कार्यवाही की जाएगी। ऐसा पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि निरीक्षण औचक नहीं है, पूर्व सूचना पर आधारित था, पहले से सूचना थी मेरे आने की। और टॉयलेट्स की हालत भी अच्छी नहीं मिली है, और भी कई खामियां छोटी मोटी मिली हैं, बड़ी भी हो सकती है, तो उसका निरीक्षण चल रहा है अभी। और जो भी खामियां आई हैं उनको संज्ञान में लेकर के इस पर देखेंगे कि इस पर सुधार कराएंगे। पिछली बार पूरा अभियान का ही परिणाम है कि पिछले दिनों जो संचारी रोग हुआ करते थे, अब की बार उसमें 70-80% की कमी आई। पिछली अब किसी ज़माने में डेंगू जैसा प्रकोप यहाँ होता था उत्तर प्रदेश में, अब उससे आपको निजात मिली है। तो उसके दो कारण हैं, एक तो जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़नी शुरू हुई है, और दूसरी बात यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है और जो सरकारी एजेंसीज हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बहुखूबी निभाने का प्रयास सब वो लोग सब कर रहे हैं। देखो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लोग संख्या आधे से ज़्यादा लोगों की जो संख्या है वो कल और परसों की है। इसका मतलब 2 या 3 दिन के अंदर लोग जो बुखार हो रहा है वो यहाँ आ रहे हैं और ठीक होकर के लगातार यहाँ से जा रहे हैं। सर सफाई अभियान को लेकर सर क्या सफाई अभियान, क्योंकि मेरा पूर्व निश्चित आने का कार्यक्रम था, मेरे को ठीक ठाक नज़र आ रहा है, पर टॉयलेट की जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब आई है, इसको मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। सर एक राजनीतिक सवाल करेंगे, मेरे को ये अगर फर्ज कीजिए खाने पीने की 100 चीज़ें हैं, उसमें से बाकी सब चीज़ ठीक चल रही है, पर किसी एक कारण से बरसात की वजह से या फसल खराबी की वजह से किसी एक आइटम में अगर कोई एक सब्जी की कीमत अगर कम की और ज़्यादा होती है तो मेरे को तो नहीं लगता कि 50 या 100 ग्राम से ज़्यादा प्याज का छौंका लगाने में काम आता होगा। तो कुछ दिनों के लिए मैं जनता से ये कहूँगा, यार प्याज कम खा लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर मेरे को खुद डॉक्टर्स ने ये बताया है यहाँ पर कि ठेकेदार ने ठीक से काम नहीं किया है, अगर वो डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल के इंचार्ज अगर इस बात को खुद ही कह रहे हैं कि भाई ठेकेदार ने ठीक से काम नहीं किया है, तो उन्हें मैंने आदेश नहीं किए, तो मैंने उन्हें यह सुझाव दिया है कि उन्हें जो है फिर भुगतान रोकना चाहिए अगर वो ठेकेदार ठीक से काम नहीं करते। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।